ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि अर्थ पर कॉस्मिक रेज के पड़ने की वजह से ह्यूमंस के ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ह्यूमन सुपर विलन में चेंज हो गए। और ये पावर सिर्फ उन्ही लोगों को मिली थी जो बुरे थे, और जो लोग भी इस रेस का विक्टिम हुए उन्हें मिसक्रिएंट्स कहा जाता है। और ये मिसक्रिएंट्स बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, जहाँ पर ह्यूमंस इन सुपर विलन से डरकर रहने लगे थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को भी बिल्कुल लिमिटेड करके रख दिया था। फिर एक दिन ये सुपर विलन एक ट्रेन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर एमिली के पेरेंट्स मारे जाते हैं, जिसकी वजह से एमिली काफी दुखी हो जाती है। और यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि वो बड़ी होकर इन मिसक्रिएंट्स को खत्म कर देगी। और फिर इसके बाद से ही वो अपनी सारी एंटरटेनमेंट्स इवन अपनी सोशल लाइफ को भी बिल्कुल खत्म करके रख देती है। बस वो अपना फोकस सिर्फ इस चीज पर रखती है कि वो कैसे इन मिसक्रिएंट्स को खत्म कर सकती है। वो हर उस मेथड की रिसर्च और उस पर वर्क करती है जिससे उसको लगता था कि मिसक्रिएंट्स को मारा जा सकता है। एमिली अपनी क्लास की एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की थी, जहाँ पर सारे टीचर्स उसे काफी पसंद करते थे, लेकिन उसकी क्लास के जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो तो उससे जेलस होते थे और इसीलिए वो उसे अक्सर बुली करते थे। लेकिन यहाँ पर कोई और भी है जो एमिली को पसंद करता है, और वो होती है लीडिया। लीडिया एमिली को बुरे बच्चों से बचाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है, और चाहे कुछ भी हो उसे हर हाल में सपोर्ट करती है। एमिली अब साइंटिस्ट बनना चाहती थी ताकि वो नॉर्मल ह्यूमंस को सुपर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करके मिसक्रिएंट्स के साथ फाइट करने के काबिल बनाए, जिसके लिए एमिली बहुत मेहनत करती है, स्टडी करती है, और इन सब में उसकी फ्रेंड लीडिया उसका बहुत ख्याल रखती है। एमिली अब अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रही थी तो तभी लीडिया वहाँ पर आकर उसे कहती है कि अब तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, कुछ देर के बाद मैं तुम्हें जगा दूंगी तो तुम फिर से स्टडी कर लेना। यहाँ पर लीडिया की बात मानकर एमिली सो तो जाती है, पर वो अपने टाइम पर नहीं उठ पाती। तभी इस बात की वजह से एमिली और लीडिया की लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच सेपरेशन हो जाती है। फिर काफी साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो दोनों दोबारा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। अब लीडिया एक ट्रक ड्राइवर थी, और जब वो अपने काम से वापस जा रही होती है तो तभी वो देखती है कि पुलिस कुछ मिसक्रिएंट्स का पीछा कर रही है, और उन मिसक्रिएंट्स में से लेजर उन पर अपनी लेजर बीम से अटैक कर देती है। यहाँ पर लीडिया और लेजर एक सेकंड के लिए एक दूसरे को देखती है, लेजर लीडिया पर भी अटैक कर देती है, लेकिन लीडिया उससे बच जाती है। इसके बाद मिसक्रिएंट्स वहाँ से चले जाते हैं। लीडिया को अब एमिली का कॉन्टेक्ट मिलता है, और अब वो उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर एमिली खुद स्कूल रियूनियन पर लीडिया को बुलाती है, लेकिन वो खुद नहीं आ पाती। यहाँ स्कूल रियूनियन पर लीडिया को पता चलता है कि अब एमिली एक काफी बड़ी साइंटिस्ट बन गई है। यहाँ पर लीडिया को लगता है कि एमिली अभी तक पार्टीज में आने से डरती है, तो तब वो खुद एमिली को लेने के लिए उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो एमिली का ऑफिस देखकर काफी हैरान रह जाती है, और वो फजूल में ही हर चीज को छेड़ने लगती है। यहाँ एमिली उसे बताती है कि वो भी स्कूल रियूनियन में जाना चाहती थी, पर वो काम में बिजी होने की वजह से भूल गई। एमिली लीडिया को अपना ऑफिस दिखाती है, और वो लीडिया को यहाँ की किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना करती है, पर यहाँ लीडिया हर चीज को छेड़ते हुए कुछ चीज को प्रेस करके एक सोफे पर बैठ जाती है, जहाँ एकदम से उसके हाथ बन जाते हैं और उसके फेस पर कुछ सीरम इंजेक्ट हो जाते हैं, जिस पर एमिली काम कर रही थी। लीडिया के शाउट करने पर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ एमिली को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि वो इतने सालों से जो सुपर ह्यूमन बनने के लिए वर्क कर रही थी उसकी सारी मेहनत खराब हो गई है, और अब एमिली कभी भी विलन्स को नहीं मार सकती क्योंकि अब सुपर ह्यूमन लीडिया बन गई थी। तब यहाँ एमिली सोचती है कि उसका मेन मकसद तो सुपर विलन्स को हराना है ना, तो इसीलिए अब वो लीडिया को ट्रेनिंग देने का डिसाइड करती है। फिर नेक्स्ट डे से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। एमिली साथ साथ खुद भी कुछ पिल्स यूज करती है, जिससे अब उसके अंदर भी कुछ इनविजिबल पावर्स आ जाती है। अब ट्रेनिंग के बाद लीडिया भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। एक दिन वो न्यूज में दिखती है कि मिसक्रिएंट्स पूरे सिटी में काफी तबाही मचा रहे हैं, और तभी एमिली वहाँ पर रॉ चिकन लेकर आती है, जिसे फौरन लीडिया किसी जानवर की तरह खाने लगती है। असल में ये सीरम की साइड इफेक्ट्स थे, इट्स मीन लीडिया अब सुपर ह्यूमन बन चुकी थी। जिसके बाद हम उन दोनों को एक खास सुपर वुमन ड्रेस में देखते हैं, जिसे पहनकर वो अपनी सुपर कार में अपने फर्स्ट मिशन यानी मिसक्रिएंट्स को खत्म करने के लिए चली जाती है। वो लोग एक शो पर जाते हैं जहाँ पर मिसक्रिएंट्स ने अटैक किया था। वो दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हुए मिसक्रिएंट्स को हरा देती हैं। यहाँ पर हम एक अजीब हाथों वाले मिसक्रिएंट को भी देखते हैं, जिसका नाम जेरी था, जो शायद लीडिया को अच्छा लगा था, पर एमिली लीडिया को होश में लाती है। फिर इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों फेमस हो जाती हैं, क्योंकि अब वहाँ के लोगों को मिसक्रिएंट से डरने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर वो दोनों सुपर ह्यूमन बनकर आई थी, और उन्होंने खुद को थंडर फोर्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। इन दोनों को देखकर जहाँ सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, तो वहाँ कोई
काफी गुस्सा भी था इन पर, जो मिस क्रिएंट्स का लीडर था और वो ही अपने मिस क्रिएंट्स से यहाँ के लोगों को मरवाता था लोगों के दिलों में डर डालने के लिए, ताकि वो इन मिस क्रिएंट्स को रोकने का कहकर सबसे वोट ले सके जिससे वो पावर में आ जाए। असल में ये उसकी एक चाल थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो इलेक्शन हार जाता है, क्योंकि मिस क्रिएंट्स को मारने के लिए तो थंडर फोर्स आ गई थी जिससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि वो मिस क्रिएंट अपनी खास मिस क्रिएंट लेजर को लेकर एमिली और लिडिया से मिलने आया था। वो उन्हें ऑफर करता है कि अगर वो दोनों उसके साथ मिल जाएं तो वो उन दोनों की हर विश पूरी कर देगा, लेकिन उनकी तो एक ही विश थी मिस क्रिएंट्स को खत्म करने की, इसीलिए वो दोनों उसकी बात नहीं मानती। अब वो मिस क्रिएंट दोबारा वापिस आ जाता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो लेजर के हाथों अपने ही एक आदमी को मरवा देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उसका गुस्सा कंट्रोल हो सके। इसके बाद वो एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि वो न्यू मेयर को उसकी जीत पर एक पार्टी देना चाहता है। असल में उसका प्लान था मेयर को मारने का, जिसके बारे में जेरी यानी मिस क्रिएंट लिडिया को एक होटल में बताता है कि उनके लीडर का प्लान है कि वो उस पार्टी में बॉम्ब ब्लास्ट करवाएगा जिसमें मेयर के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अभी सबको रोकने के लिए एमिली और लिडिया उस पार्टी में जाती है, जहाँ कंट्रोल रूम से उन दोनों को एमिली की बेटी ट्रेसी लीड कर रही थी और उधर ही उनकी मैनेजर भी मौजूद थी, जो ट्रेसी के कहीं जाने पर सारे इन्फॉर्मेशन लेजर को दे रही थी। यहाँ ट्रेसी को पता चल जाता है कि वो मैनेजर भी उनके दरमियान एक मिस क्रिएंट है, इसीलिए वो एक हार्ड चीज उसके सर पर मारती है और उसे इंजर्ट कर देती है। और वो जल्दी से थंडर्स को इन्फॉर्म करती है कि उनके पार्टी में होने के बारे में मिस क्रिएंट्स जानते हैं, क्योंकि उनकी मैनेजर उन मिस क्रिएंट्स को सारे इन्फॉर्मेशन जो दे रही थी। इसी दौरान मिस क्रिएंट्स का लीडर अपने साथियों के साथ उनके सामने आ जाता है, जिससे लिडिया लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और उससे मिस क्रिएंट का लीडर लड़ता है। अब क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए उन दोनों के बीच बहुत अच्छी फाइट होती है। दूसरी तरफ लेजर से एमिली लड़ रही होती है, लेकिन क्योंकि एमिली के पास कुछ खास पावर्स नहीं थी इसीलिए लेजर उस पर भारी पड़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि लेजर एमिली को मार पाती, कोई वहाँ पर सुपर स्पीड से आकर उसे बचा लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि एमिली की बेटी ट्रेसी थी, जिसने सुपर ह्यूमन सीरम की हेल्प से अपने आप को पावरफुल बना लिया था और उसे देखकर एमिली काफी हैरान होती है। इसके बाद वो जाते हैं लिडिया के पास, जहाँ पर मिस क्रिएंट उसे मारने ही वाला था कि वहाँ पर जेरी आकर मिस क्रिएंट को कुछ भी करने से रोकता है और यहाँ पर मिस क्रिएंट जेरी के दोनों हाथों को तोड़ देता है। तभी पीछे से लिडिया एक पिलर की हेल्प से उसे किक करती है और उसे बिल्डिंग से बाहर गिरा देती है। अब वो तीनों थंडर जल्दी से बॉम्ब के पास जाते हैं, तब वो सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए, जिस पर लिडिया डिसाइड करती है कि वो इस बॉम्ब को लेकर यहाँ बिल्डिंग से जंप लगा लेगी और वो ऐसा कहते ही जंप लगा देती है जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब एमिली इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी कि अब उसकी फ्रेंड नहीं रही, पर वहाँ जाने पर एमिली को सरप्राइज मिलता है कि लिडिया अभी जिंदा है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। असल में ये सब कुछ एमिली के सीरम का कमाल था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस क्रिएंट जेरी इन जिसने लिडिया की जान बचाई थी, वो और लिडिया दोनों साथ हैं, जो दोनों रॉ मेट इंजॉय कर रहे थे और अब जेरी के टूटे हुए हाथ भी दोबारा से हील हो रहे थे। यहाँ उन दोनों को दिखाते हुए ही ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले इस दुनिया में किसी भी किस्म की लाइफ एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, यानी इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा करता था। फिर एक दिन इस दुनिया में एक एलियन शिप आती है। एलियन पानी के पास आकर एक अजीब सा लिक्विड पीता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी मेल्ट होकर उसी पानी में मिक्स हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो आदमी जो पानी में बह गया था, उसके डीएनए से इस अर्थ पर लाइफ का स्टार्ट होता है। और फिर हजारों साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कुछ साइंटिस्ट माउंटेन्स पर रिसर्च कर रहे थे, जहाँ उन्हें केक पर कुछ ड्राइंग किया हुआ नजर आता है। इसमें एक आदमी स्टार्स और प्लेनेट की तरफ इशारा कर रहा था। इसके बाद ऐसे ही ड्राइंग साइंटिस्ट को दुनिया में जगह जगह मिलती है। इससे सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में दुनिया के इन इलाकों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। इतना डिस्टेंस होने के बाद भी सभी इलाकों में एक जैसी पेंटिंग कैसे हो सकती थी, यानी कोई एक इंसान या ग्रुप काम नहीं कर सकता था। वो दुनिया में जगह जगह एक ही तरह की पेंटिंग्स बनाए। और फिर साइंटिस्ट रिसर्च के बाद इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि शायद ये जो बड़े बड़े इंसान इन ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में हैं, ये वही इंसान है जिन्होंने इन इंसानों को बनाया है। ये सारी ड्राइंग्स इंसानों के लिए एक तरह का इन्विटेशन है, वो अपनी लाइफ के स्टार्ट के बारे में जान सकें।
और अब सभी पेंटिंग्स में देखा जाता है कि वो लोग एक ही प्लेनेट की तरफ इशारा कर रहे थे। इसीलिए अब साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि वो लोग इस प्लेनेट तक जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट की एक टीम स्पेसशिप में है। वो सारे के सारे एक स्लीपिंग चैम्बर में है, जहाँ सिर्फ एक बंदा है जो स्लीपिंग चैम्बर के अंदर नहीं है और वो इस शिप और ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो बंदा कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट था। फिर 3 साल के लंबे सफर के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। वो रोबोट सभी साइंटिस्ट को उन स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर से उठा देता है। अब वो साइंटिस्ट उसी प्लेनेट के ऊपर थे जहाँ उन्हें आना था, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें लाइफ के कोई आसार यानी सिंबल नजर नहीं आते। फिर उन्हें पहाड़ों के दरमियान में एक पायरामिड दिखता है। पायरामिड का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ तो जरूर है। और अब साइंटिस्ट उस प्लेनेट के ऊपर जाने का फैसला करते हैं। प्लेनेट का पूरा एनवायरनमेंट तो बिल्कुल अर्थ जैसा ही था, लेकिन बस कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी क्वांटिटी में ज्यादा था, जो उनके लिए पॉइजनस था। और इसीलिए वो लोग ऑक्सीजन हेलमेट पहनकर बाहर जाते हैं। इसके बाद कुछ लोग शिप के अंदर रुकते हैं और बाकी लोग शिप से निकलकर उस पायरामिड को चेक करने के लिए उस पायरामिड के अंदर जाते हैं। और सबसे पहले अंदर की तरफ रोबोट जिसका नाम डेविड है वो जाता है। अंदर जाने पर उसे ग्रीसी लिक्विड नजर आता है और साथ ही कुछ बटन्स भी नजर आते हैं। जैसे ही वो बटन्स को पुश करता है तो वहाँ पर एक प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है, जो वहाँ की शायद सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग थी। इसमें दिखाया जा रहा था कि वो सारे इस जगह से बाहर भाग रहे थे, और तभी वहाँ पर किसी का पांव स्लिप होता है और वो गिर जाता है, और इतने में ही वहाँ का डोर बंद हो जाता है और वो बंदा जो गिरा था उसका हेड दरवाजे की दूसरी साइड पर रह जाता है। जैसे ही प्रोजेक्टर बंद होता है तो वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ उन्होंने देखा था कि कोई स्लिप होकर गिर गया था। वहाँ जाने पर उन्हें सच में एक डेड बॉडी नजर आती है, और फिर वहाँ एक डॉक्टर इस बॉडी को स्कैन करती है, जिससे पता चलता है कि ये बॉडी बहुत हजार साल पुरानी है। डेविड जो कि एक रोबोट था, वो वहाँ की दीवारों पर लिखी हुई सारी लैंग्वेज समझ लेता है। उसने जो ग्रीसी लिक्विड पहले हाथ में लिया था उसकी हेल्प से बहुत सारे कोड भी जान लेता है। डेविड उन कोड्स की हेल्प से पायरामिड का डोर ओपन करता है, जहाँ दूसरी तरफ उन्हें उस डेड बॉडी का सर भी मिल जाता है। और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े से स्टैचूज रखे हुए थे, तो शायद एलियंस के हो सकते थे। और वहाँ जगह जगह बहुत सारे पॉट्स, और उन पॉट्स के अंदर बिल्कुल वैसा ही ब्लैक लिक्विड था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि उस आदमी ने पिया था। जैसे ही वो सब लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, और साथ ही दीवारों पर बनी पेंटिंग्स भी चेंज हो रही थी। साथ ही उन पॉट्स में से ब्लैक लिक्विड निकलकर बाहर गिरने लगा था। और तभी साइंटिस्ट को स्पेसशिप से कॉल आता है कि यहाँ पर एक बहुत बुरा तूफान आने वाला है और 15 मिनट में हम स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देंगे, इसलिए आप लोग फौरन वापस आ जाओ। डॉक्टर चार्ली उन पॉट्स में से एक पॉट उठाकर अपने साथ ले आते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शॉ भी उस एलियन का कटा हुआ सर अपने बैग में लेकर अपनी शिप में चली जाती हैं। और जो डॉक्टर वो पॉट लेके आया था, जब उस पॉट को खोलता है तो उसके अंदर से 3 ट्यूब्स निकलती हैं जिनके अंदर डीएनए थे। डेविड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो डीएनए उस पॉट में से निकाल कर उसकी ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शॉ उस एलियन के हेड पर रिसर्च स्टार्ट कर देती है, और डॉक्टर शॉ उस हेड को ऐसे सेल्स देती है जिससे उसका हेड एक्टिवेट हो जाए। ऐसा करने से वाकई ही वो सर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ वो हेड बहुत तेजी से एक्टिवेट हो रहा था, इस पर डॉक्टर शॉ कंट्रोल नहीं रख पाती और वो हेड ब्रस्ट हो जाता है। और जब बाकी साइंटिस्ट उस हेड का डीएनए चेक करते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका डीएनए बिल्कुल ह्यूमन डीएनए से मैच कर रहा था। और ऐसे डॉक्टर शॉ को कंफर्म हो जाता है कि हमें बनाने वाले यही लोग थे। यहाँ पायरामिड के अंदर जो दो साइंटिस्ट फंस गए थे इस पायरामिड पे रिसर्च कर रहे थे, जहाँ उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। वो लोग ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि इन एलियंस को किसने मारा होगा। उन्हें डर इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उनको लगता था जिन्होंने इन एलियंस को मारा है वो इन्हें भी मार सकते थे। तभी वहाँ पर एक स्नेक की तरह का एनिमल निकल कर आता है, उस ब्लैक लिक्विड से ही बना था जो लिक्विड उस पॉट में था। वो लोग उसे एक आम स्नेक समझकर टच करते हैं, लेकिन वो स्नेक बहुत ज्यादा एडवांस था, जल्दी से उनके सूट के अंदर जाकर के माउथ को पॉइजनस कर देता है और उसे मार देता है। और यहाँ जो दूसरा साइंटिस्ट उसे बचाने आया था पर भी वो स्नेक अटैक कर देता है, जिससे वो ब्लैक लिक्विड में जाकर गिरता है और उसकी बॉडी पर बहुत से रिएक्शंस हो जाते हैं और वो भी फौरन ही मर जाता है। यहाँ स्पेसशिप में डॉक्टर शॉ और चार्ली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जब चार्ली नेक्स्ट डे उठता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये सब उसी डीएनए की वजह से हो रहा था जो डेविड ने उसकी ड्रिंक में मिक्स करके उसे पिलाया था। और फिर वो सब लोग मिलकर दोबारा रिसर्च के लिए पिरामिड तक चले गए थे। वहाँ जाने पर डेविड जो कि एक रोबोट है वो आगे आगे बढ़ता रहता है,
यहाँ चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकर सारे वापस आ जाते हैं, लेकिन डेविड तो अभी भी पिरामिड के अंदर ही था और उसे रिसर्च करने में पता चलता है कि ये पिरामिड तो एक कंट्रोल रूम है और जो उन्होंने ब्लैक लिक्विड के पॉट्स देखे थे वो एक वेपन्स हैं, जिसको कहीं पर भी गिनाने से उसमें से मुख्तलिफ तरह के एलियंस निकलते हैं और वो लोगों को मार देते हैं। और फिर जब वो कुछ बटन दबाता है तो वहाँ पर एक प्रोजेक्टर चल जाता है जो पूरे यूनिवर्स को शो कर रहा था और यहाँ दिखाया जा रहा था कि उनकी डेस्टिनी यानी मंजिल अर्थ है। और यहाँ उसे ये पता चलता है कि वो सभी लोग अर्थ तक आ रहे थे। जो ब्लैक लिक्विड उसने पॉट्स में देखा था उनका एक खास किस्म का वेपन था, जिसे वो कहीं पर भी गिराते थे तो उसमें से मुख्तलिफ तरह के एलियंस पैदा हो जाते थे जो इंसानों को मारने के लिए थे। अब वो स्पेसशिप के अंदर स्लीपिंग पॉड्स देखता है जिसके अंदर एलियंस थे। उसे पता चलता है कि उनमें से एक एलियन अभी भी जिंदा है। ये सब देखने के बाद वो वापस अपने शिप तक आ जाता है और दूसरी तरफ वो सभी लोग चार्ली को अंदर लेकर आ रहे थे, लेकिन शिप की कैप्टन चार्ली को अंदर लाने नहीं देती क्योंकि वो इन्फेक्शनस था और इससे बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता था और इसीलिए वो एक फायर गन से उसे जला देती है। ये सब देखकर वहाँ पर डॉक्टर शॉप पे होश हो जाती हैं और जब एग्जामिन किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके पेट के अंदर एक एलियन है। जब डेविड उसकी बात नहीं सुनता तो वो एक ऑटोमेटिक ऑपरेशन मशीन के अंदर जाती है, सर्जरी से उस एलियन को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल देती है, लेकिन शॉ उस एलियन को मारती नहीं है बल्कि एक चैम्बर में रख देती है। इसके बाद हम शिप में 100 साल के बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया था क्योंकि वो और जीना चाहता था और साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हमें उन लोगों का पता चल जाए जिन्होंने हमें बनाया है तो वो लोग हमारी जिंदगी बढ़ा भी सकते हैं और हमें जवान भी कर सकते हैं। और इसीलिए अब वो आदमी एलियन से मिलने की बात कर रहा था, लेकिन वहाँ सब उसे मना करते हैं और डेविड ये भी बताता है उनको एलियंस का प्लान पता चल गया है जिसमें वो जमीन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और इंसानों को मारना चाहते हैं। लेकिन वो आदमी इन सब की एक नहीं सुनता और पिरामिड में जाने की जिद करता है, जिस पर वो लोग उसे पिरामिड में ले जाते हैं। वो लोग जाकर उस स्लीपिंग पॉट से उस एलियन को जगाते हैं जिसे हमने पहले देखा था, जहाँ डेविड उससे बात करता है और वो आदमी उसे कहता है कि तुम इससे मेरी जिंदगी बढ़ाने के बारे में बात करो। इससे उस एलियन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस रोबोट डेविड का सर उतार देता है, उस बूढ़े आदमी को मार देता है। फिर वो आदमी उठकर अपनी शिप को स्टार्ट करता है और डेस्टिनेशन अर्थ रखता है। यहाँ शो जल्दी से उस पिरामिड से बाहर आती है और अपनी स्पेसशिप के पास आकर उन लोगों को कहती है कि हमने किसी भी तरह से इस शिप को रोकना है, लेकिन अब उस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास कोई वेपन नहीं था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो अपनी शिप से उस शिप का एक्सीडेंट कर देंगे। अब वो ऐसा ही करते हैं और अपनी शिप को उस एलियन शिप से टकरा देते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ शो के तो सारे साथी मर जाते हैं, लेकिन वो एलियन अभी भी बच जाता है। यहाँ वो शो को मारने आ रहा था तो शो जल्दी से अपने शिप के टूटे हुए उस पार्ट तक जाती है जिसमें उसने एलियन को रखा हुआ था। एलियन उसकी बॉडी में से निकला था और वो उस एलियन को जो शिप में से निकला था दूसरे एलियन के पास ले जाती है जो एक चैम्बर में था। चैम्बर को खोल देती है जिससे वो एलियन जो कि चैम्बर में था दूसरे एलियन को मार देता है। यहाँ पर शो अकेली रह गई थी और तभी उसे डेविड यानी रोबोट की आवाज आती है। वो उसे कहते हैं और अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं भी जरूर तुम्हारी घर जाने में हेल्प करूंगा। यहाँ शो डेविड की बात मान लेती है और उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प तो करूंगी, लेकिन मैं अर्थ पर नहीं जाना चाहती बल्कि उस प्लेनेट पर जाना चाहती हूँ जहाँ ये सारे एलियन रहते हैं, क्योंकि ये वाला प्लेनेट तो वो एज अ डिस्ट्रक्टिव मिशन यूज किया करते थे। फिर डेविड शो की बात मान लेता है और वो उन एलियंस की स्पेसशिप लेकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और इस प्लेनेट पर हम देखते हैं कि यहाँ एक बहुत ही भयानक एलियन पैदा हो गया था, जिससे अब इस प्लेनेट पर बहुत ही खतरनाक लाइफ शुरू होने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।